हाय गाइस, दिस इज सी ए क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ 4th अक्टूबर से ओपन हो चुका है। तो इसका आईपीओ आज 4th अक्टूबर से ओपन हो चुका है और 7th अक्टूबर तक इसका आईपीओ ओपन रहने वाला है और कंपनी लगभग 500 करोड़ रुपए इस आईपीओ से जुटाने की कोशिश करेगी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, एक छोटी कंपनी ये मान सकते हैं, इसकी 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहाँ पर रहने वाली है। कंपनी के बारे में पहले क्विकली बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी शुरू हुई थी 1980 में और ये कंपनी मेजरली काम करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक की, मेजरली जितनी भी आइटम्स होती हैं उसकी रिटेलर का ही काम ये कंपनी करती है। 100 से ज़्यादा इसके स्टोर्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं और मेजरली अगर आप देखें कि इसके स्टोर्स में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो एयर कंडीशन से लेकर रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, मोबाइल्स, ये मेजर काम है जो ये कंपनी यहाँ पर, ये जो मेजर चीज़ें हैं जो कंपनी यहाँ पर बेच रही है। 50% जो इसकी मेजर सेल्स है वो यहाँ से ही जनरेट होती है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और इसके अलावा जो मेन बड़ी बड़ी आइटम्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके अलावा 30% के आसपास इसकी वैल्यू जो जनरेट होती है वो मोबाइल के बिजनेस से यहाँ पर होती है। तो मेजरली अगर आप देखेंगे, आंध्रा में और तेलंगाना में इसके अभी हाउसेज, इसके जितने भी रिटेल सेक्शंस हैं वो वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे ये कंपनी पैन इंडिया में उतरने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। अब चलते हैं एक बार इसके फंडामेंटल्स यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी रेवेन्यू, इसकी ग्रोथ वगैरह देख लेते हैं। तो ओवरऑल से ये इस कंपनी ने 18% की CAGR ग्रोथ अपने रेवेन्यू में दिखाई है, लेकिन अगर आप पिछले 3 साल के इसके रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू में ग्रोथ दिखती है, अच्छी खासी ग्रोथ रेवेन्यू में दिखती है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। नेट प्रॉफिट, इबिटिडा, इन दोनों में ही उस लेवल की यहाँ पर अच्छा पैसा नहीं बना रही है कंपनी जितने अच्छे रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू ग्रोथ है ये बहुत अच्छी बात है और जैसे ही कंपनी के मार्जिन्स और ज़्यादा इंप्रूव होंगे, एक अच्छी कंपनी ये यहाँ पर साबित हो सकती है। तो कंपनी की अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बात करें तो 21.8 के आसपास की रखी गई है, तो महंगी भी नहीं आप इसको मान सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे इसके शेयर आ रहे हैं। और ये जो रिटेल सेगमेंट है ये इंडिया में लगातार आने वाले टाइम में ग्रो हो रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात यहाँ पर इसकी है। कंपनी का अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो 4 से 7 अक्टूबर तक इसका आईपीओ ओपन है और 56 से 59 रुपीज़ पर शेयर के आसपास का यहाँ पर बैंड रखा गया है प्राइस का। 14,000 रुपीज़ के आसपास पर इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, एक रिटेलर की अगर हम बात करते हैं। टोटल जैसे हमने शुरू में बात की थी 500 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी, और अच्छी बात क्या है कि ये सारा ही पैसा जो कंपनी जुटाएगी ये फ्रेश इशू रहने वाला है, यानी कि ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास ये सारा पैसा जाएगा और कंपनी इसको यूटिलाइज करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कुछ एक्सपेंशन करनी है उसके लिए, जनरल पर्पसेस के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो कंपनी की ग्रोथ का पार्ट ये 500 करोड़ रुपीस बनेंगे, जो हमेशा एक आईपीओ के लिए हमेशा एक पॉजिटिव बात यहाँ पर मानी जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर इस कंपनी के बारे में निकल कर आती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 15-16% के आसपास की रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसकी यहाँ पर चल रही है। इसके जैसा अभी अगर आप देखेंगे कोई लिस्टेड पीयर नहीं देखने को मिलेगा। क्रोमा है, विजय सेल्स, ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बड़े रिटेलर के नामों में शामिल होती हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम इससे जुड़े हुए कुछ रिस्क पे बात करें कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है, तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल सेगमेंट है यहाँ पर धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। विजय सेल्स, क्रोमा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी इसमें नॉर्थ में अपनी पकड़ बनाई हुई है, नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में, उसके साथ साथ ये कंपनी साउथ में यहाँ पर अपनी पकड़ बना रही है। तो वहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं। एक तो आप विद इन सेगमेंट देखेंगे रिटेलर्स का बहुत अच्छा कंपटीशन है, उसके साथ साथ ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनसे जो बिक रहा है वहाँ पर भी एक बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो कंपटीशन की वजह से थोड़ी कंपनी को ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है और हो सकता है कि नेट प्रॉफिट की ग्रोथ उस लेवल पर ना हो, ये एक रिस्क कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ जो मेजरली कंपनी बेच रही है अपनी आइटम्स,
टॉप 5 ब्रांड से मेजर रेवेन्यू इसका जनरेट होता है, तो वो भी एक कंसंट्रेशन रिस्क इस कंपनी के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। और उसके साथ साथ दोस्तों, जो भी हम जब भी हम बात करते हैं किसी नई कंपनी की, ये कंपनी मेजरली हमने बात की आंध्रा और तेलंगाना में मौजूद है। अब ज़रूरी है इसके लिए कि ये एक्सपेंड कितना कर पाता है, और ऑलरेडी नॉर्थ में जैसे हमने बोला विजय सेल्स, क्रोमा, ये कंपनीज बहुत अच्छी एक्सपेंशन ऑलरेडी दिखा चुकी है, एक मेजर शेयर नॉर्थ में यहाँ पर रखते हैं। तो क्या ये कंपनी उस लेवल पे एक्सपेंड अपने बिजनेस को नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में कर पाएगी, एक पैन रिटेलर ये बन पाएगी, वो चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक बहुत बड़ा रिस्क इस कंपनी के साथ जुड़ जाता है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ओवरऑल एक सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे, सेक्टर वाइज देखेंगे, एक अच्छी कंपनी दिखती है। सेक्टर के साथ साथ इसका जो कंपनी की भी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छी इस कंपनी की लगती है। लेकिन कुछ रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 reasons why यू शुड कंसिडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टूडे। सबसे पहला रीज़न, अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नज़रिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीज़न, अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा रीज़न है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरेंस हमें काफ़ी कम प्रीमियम पर एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 crore तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।